Assalamu alaikum, my dear students. As you know that our topic we are reading the topic the cyclone chapter number 8, and we have already discussed the connect, reflect and imagine section. We have already discussed about the something about the author, and also I told you earlier that Dorothy is this lesson, the cyclone, this is about a little girl namely Dorothy, who lives with her aunt, namely Aunt M. Aunt M has with her husband, and all these three live in a little house which has only one room. There is no attic, and they have only one stove in their house for preparing the food and meals. So these things I have already discussed with you in the earlier lecture. Now moving forward, तो इसके बाद जो है बेटा डोरोथी जो है वो जब बाहर निकलती, इर्द गिर्द देखती तो उसे कुछ नहीं नज़र आता था, बल्कि वही ग्रास लैंड्स, जिसको प्रेरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स ग्रास लैंड्स ये दिया हुआ है आपकी बुक पे, तो वही देखती थी. क्या कि जो सन है उतनी ज़्यादा धूप थी, तो धूप की वजह से जो घास था इसका वो भी जल चुका था, और इस ज़मीन में जो है कुछ क्रैक्स भी पड़े हुए थे. ओके, और तो और यहाँ पे जो उनका मकान है, देयर हाउस, वो उस पर ब्लिस्टरिंग थी, यानी कि कश्मीरी में अगर मैं बोलूँ, यजन वन छ बुबड़. ओके, मतलब कभी कभार पता नहीं कुछ साल पहले इनके इस मकान को इन्होंने पेंट करवाया था, लेकिन जो तेज़ गर्मी है उसकी वजह से वो ख़राब पड़ चुकी थी, वो पेंट जो है, वो खिड़कियां जो थी वो ख़राब हो गई थी. ओके, और वहाँ पे जो है आंट एम जो है, जब आंट एम की शादी हुई थी कुछ साल पहले, कुछ 8-9 साल पहले, तो वो उस टाइम जो है शी वॉज गुड लुकिंग, शी वॉज हैंडसम, शी वॉज प्रीटी. But now, the sun and wind had changed her too. यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि the sun and wind had changed her. तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सन और विंड ने उसको चेंज किया था या उसके फेस को चेंज किया था, बल्कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने जो है अब उसका जो वो पहला वाला हैंडसम लुक था वो नहीं रहा था. ओके, तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से, सुख दुखों से जो है अब वो पहले जैसी नहीं रही थी. कौन? आंट एम. अच्छा, तो उसके बाद जो है वो अब बहुत ही पतली हुई थी, और अब वो कभी भी नहीं मुस्कुराती थी, वो हंसती भी नहीं थी. जब डोरोथी जो कि एक ऑर्फन है वो आई थी, ये ऑथर कहता है कि जिस टाइम डोरोथी आई थी पहली बार आंट एम के पास, तो आंट एम वाज सो स्टार्टल्ड बाय द चाइल्ड. स्टार्टल्ड, मैं बता दूं, मैं इसका ये वर्ड मीनिंग लिखता हूँ बोर्ड पे. चौंका देना. ओके, अगर मैं इसका इंग्लिश मीनिंग लिखूं बेटा तो ये है टू मूव और जंप सडनली एज इफ इन सरप्राइज. तो स्टार्टल्ड का मतलब है शॉर्ट में चौंका देना. ओके, इसका उर्दू मीनिंग मैं लिखता हूँ और इंग्लिश मीनिंग भी मैंने लिखा, टू मूव आर जंप, मतलब अचानक से जंप होना, अचानक से ओके मूव होना, जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो, ओके, हैरानी हो. ओके,
तो जिस टाइम ये क्या कहते हैं डोरोथी आई हुई थी अपनी आंट के पास, तो इसकी आंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हुई थी। स्टार्टल्ड क्यों हुई थी, इतना चौंक क्यों गई थी, क्योंकि वो कभी, अब जो शादी के बाद बहुत सारे साल हुए थे, तो गरीबी ही थी इनके पास। तो अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा बेटा कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, दुखों से और इन दुश्वारियों से, अब उस जो है वो कभी हंसती भी नहीं थी, उसे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जिस टाइम डोरोथी आई, उस टाइम ये जो आंट एम है, इसको लगा कि शायद कोई, मतलब जैसे कि खुशी की कोई झलक इसकी ज़िंदगी में आई हो। अच्छा, और उसके बाद जो है वो क्या काम किया करती थी, जब ये आंट एम जब सुनती थी इसके इस ये सुमा ये इसका मतलब हंसना, जोर से हंसना, डोरोथी का जोर से हंसना जब इसकी आंट एम सुनती थी, तो अपना हाथ लाके अपने हार्ट पे रखती थी और बहुत खुश होती थी, या अंदर ही अंदर शायद अपने गॉड का शुक्रिया अदा कर रही हो कि इसको ज़िंदगी में खुशी का एक सोर्स मिल गया। ओके, वो सोर्स कौन थी, डोरोथी, क्योंकि ये बहुत देर के बाद अब हंसती थी, किसको देखकर, डोरोथी को देखकर। अब अगर अंकल हेनरी की बात करें, लिखा हुआ है अंकल हेनरी जो थे वो भी कभी लाफ नहीं करते थे, वो भी कभी हंसते नहीं थे, बल्कि उनका काम क्या होता था, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, बस यही उनका काम था, और उनका जो बाल है वो भी सफ़ेद हुए थे। और ही वॉज़ वेरी स्टर्न, STER, स्टर्न, स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे STERN, स्टर्न, स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, तो सुबह से लेकर शाम तक काम करना, और फिर हंसना नहीं, कोई एन्जॉयमेंट नहीं, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट सा जो है उसका मूड था। किसका, अंकल हेनरी जो कि आंट एम का हस्बैंड था, उसका मूड। और वो कभी कभी ही बात करता था, यानी कि जिस टाइम ज़रूरी थी उसी टाइम बात करता था, अदरवाइज वो बात नहीं करता।